बुजुर्ग के सिर पर वार करके की गई हत्या। विसाऊ थाना इलाके के निराधनु गांव का मामला। मृतक के बेटे ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया मामला। कल शाम को घर से निकला था 60 वर्षीय बुजुर्ग। झुंझुनू के विसाऊ से बड़ी खबर मिल रही है। झुंझुनू के विसाऊ थाना इलाके के निराधनु गांव में एक 60 साल के बुजुर्ग की सिर पर वार करके हत्या की गई है। मृतक का शव आज सुबह गांव के ही एक जोहड़ में बने एक गड्ढे में मिला है, जिसका पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक निराधनु गांव का 60 वर्षीय बजरंग लाल जाट बुधवार शाम को 7 बजे घर से निकला था। रात भर वह घर नहीं लौटा। बजरंग लाल के बेटे राजेश ने रात को भी पिता को ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिले तो वह वापस आ गए। आज सुबह वह और उसकी माँ पिता को ढूंढते हुए अपने खेत तक जा पहुँचे। खेत से पहले ही जोहड़ में जब वे ढूंढ रहे थे तो एक गड्ढे में बजरंग लाल अचेत अवस्था में मिला, जिसे मल सीसर में चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां पर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का विसाऊ अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है। वहीं बेटे राजेश की रिपोर्ट पर अज्ञात के खिलाफ बजरंग लाल की हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। राजेश ने बताया कि उसका एक बड़ा भाई था, जिसकी भी करीब दो साल पहले मौत हो गई थी। उसकी या फिर उसके पिता की किसी से रंजिश भी नहीं थी। बहरहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुट गई है। बजरंग लाल तो जाट जाति का है और वहीं रहता है, तो किसान वहां पर जोड़ में उसकी डेड बॉडी मिली है और किसी ने उसके साथ में सर में चोट पारित की है, जिससे उसकी मल सीसर ले गए, वहां डेथ हो गई। और इस पे मैं मौके पर पहुंचा, घटनास्थल देखी है, उच्च अधिकारियों को उसके बारे में अवगत कराया, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और जल्द ही हम इसका खुलासा करेंगे, रिपोर्ट दर्ज कर ली। उसके सर में चोट है और संदेह है कि किसी ने उसके सर में चोट मारी है, इसी से खून बहने से उसकी डेथ हुई। मुझे तकरीबन आया घर पे, आज मम्मी ने पूछा, मम्मी ने पूछ के मैं ये बोला, पापा का टेबल, पापा को आया, बोले 10 मिनट पहले मैंने फोन, बोले मैंने फोन किया, मैंने बोले 10 मिनट का नाम लिया था उस टाइम पे। फिर मैं देखा, फिर दुकान पे जाके आया, दुकान पे वापस आ गया, घर पे नहीं मिला ना। फिर मैं रोटी खा के सो गया। फिर मैं सुबह उठ के वो भी पूछा, बोले आया कि नहीं आए, बोले नहीं आए। फिर मैं सुबह कोई 2-3 आदमियों को फोन किया, मैंने पूछा देखा कि कोई रात में कि उठे भी, बोले नहीं देखे। तो बाद में फिर मैं मेरे भाभी आ रहे, बोली वो एक बार खेत में जाके देख के आओ, क्योंकि खेत में क्या कोई चना द्वारा कभी खेत में कोई चल गया हो है, या खेत में एक बार चेक करके आओ। तो मैं खेत में गया, खेत में भी कोई मिला नहीं, कोई खोज भी नहीं दिखा। फिर मैं वापस फिर आ गया। फिर वापस आया तब मैं, मेरी मम्मी जोड़ में थी, जोड़ के अंदर वहाँ पे टेकाखाती करी, खोज देखे तो खड्डे खाई के अंदर पड़े थे। फिर मैं लेके चले गए। सर ऐसे शक किस पे करें सर, मेरे को ऐसे तो शक नहीं है। अभी यहाँ कदे कदार ले लेते, वैसे इतना ज्यादा नहीं लेते थे, अभी नहीं है। मारपीट के मतलब सिर में निशान है, यहाँ पे सिर में है, बड़ा निशान है यहाँ पे। सर बेटा हूँ, छोटा बेटा हूँ, एक बेटा था पहले, 2 साल पहले मर गए, वो एक्सीडेंट में मारे। अब मैं 2 परिवार चला रहा हूँ, मेरे भाभी का घर भी मैं चला रहा हूँ, ये घर भी मैं चला रहा हूँ। मैं तो बस सर ये जो लकड़ी काटते हैं ना गाड़ी वाले, बस जो जाता हूँ, छानी बिछूनी बनाते हैं, कुतर बना के भट्टा पे गिरते हैं ना, हाँ हाँ, उस काम में लागे रहता हूँ।